देखो यहाँ पे काम हो रहा है अभी। देखो जो भी काम रुका हुआ था ये सारा यहाँ का, देखो अभी मसाला पूड़े में बना हुआ है और वहाँ पे मिस्त्री साहब वो काम कर रहे हैं, वो लेबर है वो साथ में काम कर रहा है। ये देखो भाई, और अभी ये सारा जो भी बचा खुचा था ये सब कुछ अभी होगा, अभी हो रहा है। देखो ऐसे तो देखो सारा काम फिनिश हो चुका है, मिस्त्री लोग सब चले गए घर पर, टाइम रात के 8 बज रहे हैं। और देखो यहाँ तक काम हुआ और यहाँ पर थोड़ा सा ये देख रहे हैं, ये देखो गाइस ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ना मसाला कम गया, बिकॉज बालू कम गया इसी वजह से, नहीं तो सीमेंट और गिट्टी था हमारे पास, बस बालू कम गया इस वजह से यहाँ पे नहीं हो पाया। बट यहाँ पे ना हल्का सा ऐसे सीमेंट का घोल मार दिया कि थोड़ा सा अच्छा लगे, वरना सारा ऐसे ईंट टाइप का लग रहा था। Hey guys, welcome to my new vlog. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे। तो guys अभी सुबह के टाइम 9 बज रहे हैं, 9 बजे मैं अभी अपना ब्लॉग बना रहा हूँ और अभी मैं उठ के फ्रेश होके फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ अभी। और फिलहाल तो सारा आज मिस्त्री उस्त्री सब आ गया काम करने के लिए। कल बारिश हो रहा था, कल 1 बजे तक ऐसे बारिश हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, बट काम उसमें हो नहीं सकता था, सारा काम कल ख़राब हो गया। मतलब काम ख़राब नहीं हुआ, जैसे कल काम नहीं हुआ, काम रुक गया कल। और आज सब मिस्त्री आया काम करने के लिए, तो अभी सब कोई काम कर रहा है वहाँ पे। फिलहाल तो गाइस मेरा नाश्ता निकल चुका है, तो पहले मैं नाश्ता करता हूँ। भारी भड़कम नाश्ता, चावल दाल और भिंडी का भुजिया और इधर आम का अचार। तो फिलहाल मैं अपना नाश्ता पहले फिनिश करता हूँ गाइस। तो देखो नाश्ता करके अभी मैं बाहर पे, और ये देखो यहाँ पे काम हो रहा है अभी। देखो जो भी काम रुका हुआ था ये सारा यहाँ का, देखो अभी मसाला पूड़े में बना हुआ है और वहाँ पे मिस्त्री साहब वो काम कर रहे हैं, वो लेबर है वो साथ में काम कर रहा है। ये देखो भाई, और अभी ये सारा जो भी बचा खुचा था ये सब कुछ अभी होगा, अभी हो रहा है। देखो गाइस तो अभी टाइम 1 बज रहे और 1 बजे मुझे देख सकते हो मैं रोड पे हूँ, बिकॉज मैं खुशी को लेने स्कूल गया था इसके। ये देखो आगे स्कूल से आज लंच फिनिश कर लिए सारा, नहीं भुजिया छोड़ भुजिया छोड़ दिया आज, और बाकी रोटी रोटी खा लिया, भुजिया छोड़ दिया। अब फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग, और अभी तो मस्त मौसम है, अभी धूप नहीं है। और ये देखो हमारा ये मिस्त्री जो है ये अभी जा रहा है घर पे लंच करने के लिए। गाइस तो देखो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और खुशी को देखने गिलास गिर गया मेरे से। गाइस तो देखो इसको, ये अभी बैठ के यहाँ पे अपना लंच कर रही है। और गाइस हम भी यहाँ पे अपना लंच कर रहे हैं, देख सकते हो चावल है और इधर दाल, भिंडी का भुजिया और अंडा फ्राई और इधर पकौड़े। फिलहाल लंच पहले अपना फिनिश करते हैं गाइस। तो देखो आज फिर ये देखो एक केला का थन है, जो कि ये पूरा बोरी में रखा है जैसे पहले भी रखा हुआ था। और ये जो है ये पहले वाला तो थोड़ा थोड़ा सा पका भी था, बट ये थोड़ा सा कच्चा है। तो अभी इसको सारे को निकाल के काट के अलग करके इस कार्टून में डालूँगा पकने के लिए। और तो फिलहाल इसको काट रहे हैं गाइस। तो देखो सारे कार्टून में केले रख दिए अभी, और इसमें करा वाइट भी डाल दिए। अभी इसको ढक के ऐसे छोड़ देते हैं, 2 दिन में या 1 दिन में ये पक जाएगा, खुद पे खुद पक जाएगा। और देखो ये केले के बीज का, ये देखो सारे से केला काट काट के निकाल दिया मैंने। और देखो अभी इसको ऐसे छोड़ देना है, कम से कम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ना होगा इसको। ये देखो एक केला तो इधर ही रह गया बाहर, कच्चा है ये, खाने लायक नहीं है अभी। ये देखो ऐसे तो देखो सारा काम फिनिश हो चुका है, मिस्त्री लोग सब चले गए घर पे, टाइम रात के 8 बज रहे हैं। और देखो यहाँ तक काम हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा ये देख रहे हैं, ये देखो गाइस ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ना मसाला कम गया, बिकॉज बालू कम गया इसी वजह से, नहीं तो सीमेंट और गिट्टी था हमारे पास, बस बालू कम गया इस वजह से यहाँ पे नहीं हो पाया। बट यहाँ पे ना हल्का सा ऐसे सीमेंट का घोल मार दिया कि थोड़ा सा अच्छा लगे, वरना सारा ऐसे ईंट टाइप का लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा मार दिया। फिर कभी काम होगा ना, 2-4-10 दिन में काम होगा ही घर पर, तो फिर कभी इसको भर दिया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी ये देखो पूरा हो चुका है, और कल दिखाऊँगा गाइज़ आपको कि कैसा लगेगा। फिलहाल तो अभी चलते हैं पहले गाइस। तो अभी रात के टाइम 9 बज रहे और 9 बजे मैं कर रहा हूँ अपना यहाँ पे डिनर। और देखो डिनर में क्या आज, ये देखो फ्राइड राइस, जीरा फ्राइड राइस है, और ये देखो करेले का भुजिया और इधर भिंडी का भुजिया
और इधर ऑमलेट फ्राई है। तो फिलहाल पहले मैं अपना डिनर फिनिश करता हूँ। गाइस तो अपना डिनर हो चुका है, मैं इस वीडियो को करने जा रहा हूँ यहीं पे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।